इस बीच एक बड़ी खबर आ रही है, पीसीसी ने दी सचिवों को जिम्मेदारी, सचिवों को लगाया विधानसभा प्रभारी। वहीं आपको बता दें पीसीसी चीफ गोविंद सिंह डोटासरा ने जिम्मेदारी दी है। तो बड़ी खबर आपकी टीवी स्क्रीन पर, आपको बता दें कि पीसीसी ने दी है सचिवों को जिम्मेदारी और सचिवों को लगाया विधानसभा प्रभारी। पीसीसी चीफ गोविंद सिंह डोटासरा ने ये जिम्मेदारी दी। इस वक्त की ये बड़ी खबर आपकी टीवी स्क्रीन पर, पीसीसी ने दी है सचिवों को जिम्मेदारी, सचिवों को लगाया विधानसभा प्रभारी। पीसीसी चीफ गोविंद सिंह डोटासरा ने जिम्मेदारी दी। इस वक्त की ये बड़ी खबर आपकी टीवी स्क्रीन पर। आपको बता दें कि जैसे जैसे चुनाव की तारीख जो है अब नजदीक आएगी और लगातार जो है जिम्मेदारियों का ये दौर भी सामने आएगा कि किसको क्या जिम्मेदारियां दी जाएंगी। और इस बीच ये खबर, पीसीसी ने दिया सचिवों को जिम्मेदारी, सचिवों को लगाया विधानसभा प्रभारी। पीसीसी चीफ गोविंद सिंह डोटासरा ने ये जिम्मेदारी दी है। तो बड़ी खबर आपकी टीवी स्क्रीन पर, पीसीसी ने दी सचिवों को जिम्मेदारी, सचिवों को लगाया विधानसभा प्रभारी। पीसीसी चीफ गोविंद सिंह डोटासरा ने जिम्मेदारी दी। इस वक्त की बड़ी खबर कांग्रेस के लिहाज से, और इस खबर पर ज्यादा जानकारी के लिए मेरे सहयोगी शशि मोहन शर्मा हमारे साथ फोन लाइन पर जुड़ गए हैं। शशि, पीसीसी ने सचिवों को जिम्मेदारी दी है, क्या कुछ इसको लेकर जानकारी मिल रही है, किसको क्या जिम्मेदारी मिली है? खुशबू, जिस तरीके से उपाध्यक्षों को, पीसीसी के उपाध्यक्षों को संभाग प्रभारी बनाया, महासचिवों को जिला प्रभारी बनाया, उसी तरीके से सचिवों को भी काम पे लगाया गया है। जो पीसीसी सचिव है उनमें से विधानसभा क्षेत्र प्रभारी के रूप में विधानसभा क्षेत्र का कामकाज देखने के लिए जिम्मेदारी दी गई है, और इसमें सभी 200 विधानसभा क्षेत्रों में सचिवों को जिम्मेदारी दी गई है। पीसीसी चीफ गोविंद सिंह डोटासरा ने ये टास्क इन सचिवों को दी है। अब चुनावी साल में अधिकांश सचिवों को अपने अपने क्षेत्र वाले विधानसभा क्षेत्र में स्टे करना होगा, दौरे करने होंगे, लोगों से मिलना होगा, संगठन को लगातार सक्रिय और गतिशील रखना होगा। इन्हीं सब काम के लिए इन सचिवों को जिम्मेदारी दी गई है। अब देखिए, पिछले दिनों जो पीसीसी के सचिवों को लिस्ट को लेकर के गठित हुआ, उसके बाद में लिस्ट नए सिरे से आई और सभी जो 85 सचिव थे उनके सभी के नाम वापस आ गए, और यह इसके साथ कुछ नाम और जुड़ भी गए। तो सभी को काम पर लगाने के लिए डोटासरा और रंधावा दोनों ने कह दिया था जो काम करेगा वो उनकी टीम में रहेगा और सभी को रिजल्ट देने होंगे। इसके लिए जल्द ही कार्य विभाजन की बात कही थी और तकरीबन 7-8 दिन में जो बैठक हुई उसके बाद 7-8 दिन के अंदर काम बांट दिया गया है। अब इन सचिवों को सभी 200 विधानसभा क्षेत्रों की अलग अलग जिम्मेदारी दे दी गई है, इनको काम करना होगा। एक बात यह है कि कुछ जगह सचिवों को 2 विधानसभा क्षेत्रों की और कुछ जगह 3-3 विधानसभा क्षेत्रों की जिम्मेदारी भी दी गई है। मसलन आप देखिए, अजमेर से आने वाले छात्र नेता सुनील लारा को जैसलमेर में जिम्मेदारी दी गई है, तो दोनों विधानसभा सीटों की दी गई है। वो जिले की जो दोनों विधानसभा सीट है, पोकरण और जैसलमेर, दोनों का कामकाज देखेंगे। इसी तरीके से जालौर में 3 विधानसभा क्षेत्रों की जिम्मेदारी भी देते हुए इस आदेश में गोविंद डोटासरा नजर आए हैं। मकसद यही कि काम फुर्ती से हो, रफ्तार से हो और काम में कोई खामी ना रहे। सभी जो योजनाएं सरकार की स्कीम है उसकी निगरानी सही तरीके से दी जाए। इस तरीके से आप देखिए, जो मैं जिक्र कर रहा था जालौर की, तो जालौर, भीनमाल और लाहौर की जिम्मेदारी हरीश परिहार को दी गई है। इस तरीके से कुछ और भी नाम है जिनमें शिवप्रसाद मीना नाम है, शिवकांत नंदवाना है, आईदान भाटी है, अनिल बोल्डक है, इनको 2-2 जगह की जिम्मेदारी दी गई है। कुछ सचिव ऐसे भी हैं जिनको एक ही विधानसभा क्षेत्र की जिम्मेदारी दी गई है। जी, यानी कि शशि, पूरी तरह से ध्यान रखा गया कि कहां पर जो है ज्यादा जोर देने की जरूरत है, कहां पर पिछली बार जो है कमजोर रह गए थे, उस हिसाब से जो है इस लिस्ट को बनाया गया है। इसलिए जो है पूरी तरह से कहीं 2 तो कहीं पर 3 जो है सचिवों को जिम्मेदारी दी गई है। खुशबू, ये सब चीजें ध्यान रखने की बात थी और पीसीसी चीफ ने अपनी टीम की मदद से, प्रभारी की सहमति से ये काम तय किया है और उसी के बाद इनको निर्देश देकर अलग अलग जगह का चार्ज दिया गया है। जी खुशबू, तो ऐसे में जो गठजोड़ बनाया गया है, जिस तरह से जिम्मेदारियां दी गई हैं, अगर जयपुर की बात करें तो यहाँ पर किसको किस तरह से जिम्मेदारी दी गई है, क्योंकि जयपुर जो है राजधानी हो गई, यहाँ पर कैसे ध्यान रखा गया है, यहाँ कैसे समन्वय बनाया गया है? जी खुशबू, बहुत अच्छा सवाल है आपका। देखिए, जयपुर की जिम्मेदारी भी यहाँ पर देते समय पूरा ध्यान रखा गया है। जयपुर जिले की अगर बात कर लें तो जिले में 19 सीटें हैं कुल, इसमें से आप देखिए कि आमेर विधानसभा क्षेत्र की जिम्मेदारी
कैप्टन अरविंद कुमार को दी गई है और किशनपुर विधानसभा क्षेत्र की जिम्मेदारी भी इनके पास ही होगी। सीकर जिले से आते हैं और पूर्व में जो सांसद पीएस जाट जो सांसद का चुनाव लड़ चुके हैं कांग्रेस के टिकट पर, उनके पुत्र हैं अरविंद कुमार और भारत जोड़ो यात्रा में भी लगातार सक्रिय दिखे थे राहुल गांधी के साथ में। साथ में विद्याधर नगर की जिम्मेदारी डॉक्टर शिखा मील बराला को दी गई है, कोटपूतली की जिम्मेदारी पूजा वर्मा को दी गई है, बस्ती की जिम्मेदारी आलोक पारीक को दी गई है, दूदू की जिम्मेदारी गोपाल लाल शर्मा को दी गई है, बगरू और फुलेरा जो सीट है उनकी जिम्मेदारी पीएल प्रजापति को दी गई है। साथ में झोटवाड़ा जो सीट है और सांगनेर सीट है, हालांकि दोनों अलग अलग क्षेत्र हैं लगते हुए नहीं है, इनकी जिम्मेदारी रघुवीर राठौर को दी गई है। हवा महल विधानसभा क्षेत्र राहुल भाकर के हवाले किया गया है, एनएसयूआई में काम करते थे, एनएसयूआई से पीसीसी में इनको बड़ा प्रमोशन मिला है। साथ में सिविल लाइन्स का काम भी राहुल भाकर देखेंगे और शाहपुरा और जम्मा रामगढ़ राहुल तनवर को दी गई है। ठीक है शशि जी, तमाम जानकारी देने के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। तो पीसीसी ने सचिवों को जिम्मेदारियां दी है, यानी कि चुनावी मोड में पूरी तरह से कांग्रेस चल रही है। सचिवों को लगाया है विधानसभा प्रभारी गोविंद सिंह डोटासरा ने जिम्मेदारी बांटी है, सभी 200 विधानसभा क्षेत्रों में लगाए गए हैं प्रभारी।